जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे स्वीट बॉक्स ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रुक जाना, इन्हें अरमानों पे पानी डाल देंगे। हो चाहता था मेरे को एकदम छोड़ के चले गई, खुदा हाफिज का लेटर मेरे हाथ को लेके गई, मेरे को कितनी तकलीफ होना, मेरे प्यार को समझ रही थी नूरी, मैं उसके खातिर दुबला हुआ। अरे ब्लैकबेरी, नूरी भाग के बोल के इसको मालूम हो गया शायद, इस वास्ते भाई के जख्मों पे नमक छिड़कने को आया ही नहीं। माँ के कंगले मारू, हमेशा नए कपड़े, कभी एक टी शर्ट भी नहीं दिलाया हमारे इतवार के बाजार से। लास्ट ईयर चांद रात को दिलाया भूल गया। बड़ों को सलाम, छोटों को दुआ, बोला चला माफ करो, दिल का मैल साफ करो। चल चल जल्दी जा। मैं नहीं जाती दीदी। जा ना। जा। अरे ये क्या तो भी हो रहा? कोई भी अच्छा काम घर की औरत बेटी से कराना करती। ये लो बार 200। ये किस खुशी में बाबा? अरे बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है। उस्ताद तुम्हारी बर्बादी हो रही, उसकी शादी हो रही। उसके चमू पर मार ले जाकर वो उजाड़ सड़ी हुई मिठाई, हमारी जिंदगी में जहर घोल के माठी मिला, लड्डुआ बांटते फिर रहा, इसके मुंह में मट्ठी पड़ो। अरे खाला, अमेरिका जापान पे इतना बड़ा बम फोड़ा मगर उन्हें सब कुछ भुला दिया, आप हमारी छोटी चुटपुटी भी नहीं भुला रही। सही बात है, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। नहीं, ये मिठाई में जहर है, ये मिठाई में जहर है, ये गौरी की चाल है, इसमें जहर मिला के लाया गौरी, नादरा को खिला दे राजी। अल्लाह अल्लाह, ये मिठाई में, मिठाई में जहर, जितना मोटा जिसम उतनी मोटी अखल। गौरी भाई तुम कुछ भी कर सकते, इसलिए पहले ये मिठाई तुम्हारे पट्टों को खिलाओ। इधर रखा। अरे इसको काय को खिला रहे जी, इसको क्या मालूम, इन्हें तो भपा फहरा है। तू खा फिर। अरे मैं ना तो फहरा हूँ ना तो बेवकूफ हूँ, मैं नहीं खाता। अरे जलील मेरी इज्जत कहीं को निकाल रहा, खा मिठाई। अरे तुम्हारा कोई भरोसा है? इससे पहले रातों को कुत्ते पुकारे तथा तो तुम जो है चिचड़ों में जहर मिला के खिला दिए। देख लिए तुम लोग, इसका सगा पट्टा खुद इस पे भरोसा नहीं करता। कौन सी मिठाई खाओ इसमें से? मैं बोल कौन सी मिठाई खाऊं? ये देख मैं रूपा, ये देख चम चम, बोल कौन सी खाऊं? बोल, कोई खाओ ना खाओ अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपनी खुशी में कोई कमी नहीं होने वाली। चल रहे हैं। हल्लो जी, देखो तेरे को मालूम है खौरी किससे शादी के ख्वाब देख रहा है? मुझे क्या पता, वो तेरे से शादी के ख्वाब देख, इस गुंडे से। ये गुंडे से शादी करने मेरे माँ बाप घबरा सी हो ना, वो तो मुझ पे छोड़ दे। जरा उधर भी कुर्सी अंदर ले, बेफिक्र रहो भाई, पूरा रेडी है, बराबर है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए, वाह कोने में उधर। अस्सलाम वालेकुम, यहां जरा नौशे साहब को देखो। अस्सलाम वालेकुम, चलिए अंदर। आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए। वालेकुम उस्ताद। चलिए, ये गौरी शादी से पहले निकल के ऐसा दिख रहा, कैसा तन किया रहा देखो। क्यों साले साहब, जीजा जी का इस्तकबाल नहीं करते हैं? क्या करो बोल रहे इस्तकबाल में, पटाखे जलाऊं, फुलझड़ियां जलाऊं, जाओ टुट्टी कुर्सी पे बैठो, जाओ कोने में जाओ। कोई बात वहीं छे रास्ता जाओ। आपकी इस बदतमीजी का जवाब हम आपकी आपा से शादी के बाद लेंगे, प्यार से। इसको तो वालेकुम। वालेकुम सलाम, बाहर का दूल्हा की एक घंटा हो रहा मियां, तू घर का दूल्हा हो क्या बारा? हवेली में दो दो रस्मा हो रही। हाओ, किसका किसका? मुस्कान और नादरा का। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, चलो फिर। ये जुनैद है, दुल्हना तैयार हुए, मैं देखता हूँ, चलिए आइए। हाँ चलिए आए, क्या फासुक बैठना रे मुस्कान।
ना दे रहा। अपन लोग शादी एक ही दिन नहीं करेंगे, दूल्हा ना बदल जाने का डर रहता। हाँ समझ गया मैं। तू 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 देख मियाँ, तेरे से और ये हवेली वालों से कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। इतनी आसानी से आग लगा के नहीं जा सकता गौरी? आग की क्या बात कर रहा रे, यहाँ तो पूरा चमन जल गया। इन शरीफ लोगों के लिए हम जैसे लोग जल के भी मर गए ना तो फर्क नहीं पड़ता। चल हट भाई जाने दे। इधर इधर जा रहे हैं। आखा निकाल देता हूँ, माँ के लालने का काम करना ही पड़ेगा। तू मेरा छोटा भाई है। कौन भाई? ये देख सेम निशान। तू मेरा छोटा भाई है। तू मेरा छोटा भाई है। तू मेरा छोटा भाई। तू बचपन में बिछड़ गया था छोटा भाई है मेरा। भाई तू मेरा छोटा भाई है। मैं कहाँ चले गया था तू? मैं तेरे को कहाँ नहीं ढूंढा। ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, हाईटेक सिटी, कहाँ नहीं ढूंढा मैं तेरे को। तू मेरा छोटा भाई, तू मेरा छोटा भाई, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। तेरे को नहीं मालूम भाई के मरने के बाद तेरी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। एक बार अपन दोनों सोटे पीर की दरगाह के उरस पे गए थे, तू वहाँ भूख से पीट रहा था भाई। मैं तेरे वास्ते चाकना लाने गया था, मैं आज तक देखा तू वहाँ नहीं था। कहाँ था तू? कहाँ था भाई? भाई भाई मेरा भाई, मेरा भाई। सही बोले भाई, मेरे को भी यतीम खाने में बोलते थे मैं सोटे पीर की दरगाह में मिला बोल के, और ये हवेली वाले मेरे को बहुत चाहते भाई। जब मैं यतीम खाने से भाग के आया तो ये लोग मेरे को बहुत सहारा दिए थे भाई। अपन मिल गए ना। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। हम लोग किसी की परवाह किए बगैर तुम्हारे जैसे गुंडे को हमारे जिगर का टुकड़ा ना दे रखू तुमको सौंप दिए और तुम ही हमारे सीने में खंजर घोंप दिए। अब मैं नादिरा से उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि मुस्कान की शादी ना करा दूं। चल छोटे कहाँ पे? चल तो सही। वॉचमैन इस वक्त कौन मर गए क्या सब? इन्हें अंदर किसने आने दिया? सुनिए, गलती मेरी है, ये सब मेरी वजह से हुआ। इसके वास्ते अगर आप मेरा खून भी कर दिए तो मैं आपको माफ कर देता हूँ साहब। साहब मुस्कान की हमदर्दी को दरअसल मैं मोहब्बत समझ लिया था साहब। साहब मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है साहब, आप इस घर की बहू बना लो साहब। अब तक मैं समझ रहा था ये शादी मेरी वजह से टूटी, मगर नहीं, अल्लाह नहीं चाह रहा कि मुस्कान ये घर में आए। चल रहे, देख लूंगा तेरे को। अरे अगर तुम जा रहे कहीं को ये बैग आगे को बैग कर रहे हैं? नहीं भाई, अब नहीं होता, बस बहुत बेइज्जती हो गई। अब नहीं होता, हम दोनों कहीं भी जाके जाते। ऐसा कैसे जाते? जब हम सता रहे थे जब नहीं गए, अब कैसे जाते? अरे ऐसा नको करो भाई, अंदर की अंदर माल।
हटो हटो हमारे छोड़ो जी। अरे आप तो समझदार है, आप समझाना था, कहीं जा रहे आप लोग। देखो मियाँ, हम आजाद लोग हैं, किसी के भगाने से भागते नहीं, किसी के रोकने से रुकते नहीं, समझे। अरे आजाद है तो आजादी से रहो ना भाई, आप लोग कहीं जाते हम लोग जाते। नाजरा, अरे सुनो तो सही, देखो भाई जो हो गया भूल जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं। अब मैं सुधर गया भाई, पहले जैसा नहीं हूं, अब आगे तुम्हारी मर्जी, जितना समझाना था समझा दिया। छोड़ो भाई बस, नेवता आंखो भर लो, आगे तुम्हारे आखा, अब जाके इनके तलवे चाटो। क्या सामान के लिए लॉरी नहीं आई, ऐसा कब तक रहेंगे? ज्वाला का फोन आया था कि आज हवेली खाली हो रही है, तू तो वादे का बड़ा पक्का निकला। रामलाल चेकबुक। क्या हो रहा है ये? ये ले, मैंने साइन कर दिया है, भर ले जितना चाहे। चौधरी साहब, आज पहली बार पैसे लेते हुए खुशी नहीं हो रही, क्योंकि ये गलत काम से कमाया हुआ है। अब तुम जैसे लोग भी ऐसे बातें कर रहे हैं? एक मिनट, पहचाना नहीं? तुम इतने भी नहीं बदले जो मैं तुम्हें पहचान न सकूं। और सब मजे में, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और तुम सुनो, तुम तो गायब ही हो गए कॉलेज के बाद। दरअसल कॉलेज के बाद आई वेंट टू यूएस और बिजनेस वगैरह में यू नो शादी हो गई क्या तुम्हारी? कुछ भी बोल देते हो बगैर सोचे समझे। डैड, मैं जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। डैड, आप भी तो आपकी मर्जी से शादी किए थे। खानदानी जिद है ना, कैसे जाएगी? जरा एक मिनट, देखिए मैं अपने बेटे की जिद के आगे हार चुका हूँ, अब फैसला आपके हाथ में है। कैसा फैसला? मेरा बेटा आपकी बहन से शादी करना चाहता है, अगर आपको इतराज ना हो तो। ऐसा मजाक नक्को करो चौधरी साहब, पहले ही हम जहेज के नाम पे तो धोखे खा चुके हैं। जहेज लेने वाले टटपूंजियों की मिसाल आप हमें ना दें। मैं मंजूर है, मुबारक हो। लाख लाख शुक्र, आज से हवेली आप सबकी हो गई। इतना जाओ जी, लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया। तो किसी करने ग्रीस का? इसके सर का मेरी नूरी भी भाग गई भाई। उन्हें भागी नहीं रे, उसके घर पे खुदाफिस की चिट्ठी मैं लगाया। वो देख आ गई। कहाँ थे नूरी, मेरे को छोड़ के किधर चले गए थे तुम? अल्लाह तुम आ गए। आई लव यू नूरी। ऐसे खुशी के मौके पे धोबन नहीं दिख रही रे। हाँ भाई, मैं एक आत्मा हूँ,
तुम लोग सुधर गए थे इसलिए चले गई थी, लेकिन तुम लोग जब जब बिगड़ोगे मैं यहाँ पे फिर आऊंगी, समझे? सही भी आत्मा थी रे। लियो ना भैया खाओ। बस बस बस, नहीं नहीं। कौन है देखिए? हेलो, मुमताज बोल रहा हूँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ हाँ। इतवार को लड़के वाले लड़की देखने को आ रहे हैं कते? जी जी। अगर लड़की पसंद आ गई तो जब ही मुँह मीठा कर देते बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट ठहरिए, अभी बोलता हूँ आपको। ठीक है। इतवार को लड़के वाले आ रहे हैं कते? लड़की पसंद आ गई तो मुँह मीठा करते बोल रहे हैं, क्या बोलते तुम? आ जाओ बोलो, आ जाओ। हाँ बोल दूँ। हेलो जी जी जी। हाँ आ जाइए इतवार को। जी हाँ हाँ आ जाइए इतवार को। जरूर जरूर। अल्लाह का शुक्र है, अब तो भी हो जाना। चलो अब की तो कुछ अच्छा हो। ज्यादा खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं, बस चाय पानी पर निपटा देना। ये तेज बातें करना छोड़ दो, नहीं तो संजीदा लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझे ज्यादा मस्का चस्का लगाने की आदत नहीं है, जो भी बातें वो साफ सीधे करती हूँ। इसका तो आज बता के रहूंगा, छोड़ूंगा। जब देखो जब पानी डालते रहती, एक तो नूरी घर छोड़ के भाग गई और तुम्हें को पानी पानी कर दी। तेरा काम क्या खाली पानी डालने का है क्या? तेरे से बात कर रहा हूँ। अरे फोन तो भी है। ये ले ये ले, कोई डाल ले तो रे, ले ले और ले, डालो पानी पूरा घंटी पेट ला, डालो तो ये ले और ले, अल्लाह और ले और ले भाई, ला बकेट भी डाल दे और भी है तो दे, तेरा काम पानी डालने का है ना, जाओ डाल छोड़ दो इसको, छोड़ दो। क्या हुआ? वो नूरी भाग गई। हाँ? किसके साथ? उसकी अम्मा के साथ। उफ, इसमें इतना परेशान होने क्या बात, कई मेहमान गए होंगी, आ जाएगी दो चार दिन में। ये क्या सिर्फ खुदाफिस, आगे पीछे कुछ भी नहीं? अरे मैडम, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता था।